वो मुसलमान, उसकी ज़रूरत है इंडिया की, सियासी ज़रूरत है मुसलमान को रखना, सियासी ज़रूरत है कि शेख फलां आ गया, सैयद फलाना आ गया। वहाँ तो सैयद नहर भी जाता था ना अरब में, ये अरबों से एड की बात है, ये लंबी सर कहानी है कि सैयद नेहरू तशरीफ लाए हैं। मतलब ये कि वहाँ उनका रखना और है, हिंदू के साथ बात और है। आपको ये है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू की बात समझते हुए हिंदू को हिंदू ही समझना, हमेशा ध्यान रखना। अनूद और शहूद आपके आगे में कभी नहीं होंगे, ये दो से बचना ज़रूरी है, एहतियात करना है इस बात की, बचाएगा आपको आपका इस्लाम, वरना वो वाक़ात में आपके अंदर शामिल होने की बड़ी उनके अंदर गुंजाइश है। इससे मिलना आपने ईमान में कभी हो जाओ, आपको क्या दिक्कत है? वो लोग किस मतलब के हो चलते जाए, कहते होते जाए, आप मानते हो इस्लाम को, आप चल पड़ो इस्लाम में। कभी आपको मुसलमान होने की देश से वीज़ा पाया जाता है, मुसलमान होने की कैफियत में कभी आपको यह ज़रूरत पड़ जाए कि उसको भी खुश करो और उसको भी खुश करो, हिंदू को भी खुश रखना है, मुसलमान को भी खुश रखना है, तो सिवाय मुनाफ़त के और ये कुछ नहीं। मुसलमान होने के बाद हर एक को अकीदे को खुश रखने की तमन्ना सिवाय मुनाफ़त के, अगर सच बोलना छोड़ दोगे तो फिर ये तो सब थोड़ा ही रहते। इसलिए मुसलमान जो है, मुसलमान हो बस ये आपका काम है। वो बड़े मुसलमान थे, ये अबुल कलाम आज़ाद वगैरह बड़े बड़े नमाज पढ़ते थे, बहुत अच्छे थे। तो आज पाकिस्तानी वहाँ जाए तो कतर नमाज क्या ज़रूरत है, क्या वाकत की ज़रूरत है? अभी हिंदुस्तान में मुसलमान बैठे हैं, दरवेश बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे, कोई वाकई खोलेगा नमाज समझ जाएगी। इसलिए हमें ना मायूस है हम, ना आज में हमें कोई दिक्कत हो रही है, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों को महफूज करे। महफूज उस वक्त करेगा जब मुसलमानों का नाम इस्लाम होगा। अभी तो इस्लाम और मुसलमानों में जुदाई है थोड़ी सी, अल्लाह इस्लाम को महफूज रखना है, इस्लाम का अलगर ले तो भी महफूज हो जाए। अल्लाह ने कुरान को महफूज रखना है, कुरान आपने सीने में उतार लो महफूज हो गया। इसलिए ये दुआ होनी चाहिए, जब आसान है आपके लिए कि इंशाअल्लाह हमें हमारे अपने अकीदे पर चलने की तौफीक दे। भाई आसान से दुआ है, या रब्बुल आलमीन तू आप मेहरबानी कर कि अगर कोई शक हमारे अंदर पैदा हो गया तो इसे तू दूर फरमा, ताकि हमें हमारे जहन के हवाले न कर, हमें हमारे दिल के हवाले कर और दिल हमारा अपने हवाले कर, अब फिर हमारी बचत की राह है। याद से जो मांगने वाली दुआ है कि या रब्बुल आलमीन ने एक बार आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, और फिर किसी तरफ कोई खतरा नहीं है, अल्लाह ताला अता फरमाए बस करिए दिए। तो हमने तो ये कहा कि आप अकीदे पे कायम रहो जाती तौर पर, बाकियों को गुमराही ना देखें। अब ये दिल आप गवाही देता है कि क्या उस चीज़ सही है, इर्द गिर्द के इंतजार में देख, ये सब फर्द है, ये ऐसी चीज़ है कि आप रास्ता भूल जाओ घर का, इंतजार को तो देखो। आप एक बार कभी आप चल पड़ोगे सही रास्ते पर, आप देखोगे तो वहाँ मिला ही है सही रास्ते पर चलने वाला। मस्जिद में जाके देखना शुरू करोगे तो मस्जिदें भरी हुई हैं, अगर आप सिनेमा देखोगे तो वो भी भरे हुए मिलेंगे, आप शहर भरे हुए मिलते हैं ना आपको, कि शहर में वो आबादी आबादी है। कोई शख्स 10 साल के बाद इस शहर में आपने जाया ना, 10 साल पुराना चेहरा कोई मिलता नहीं, मर गया सारे, शहर भरा हुआ है, बंदा बनी रह गया। 60 साल में लाहौर की सारी आबादी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती, लाखों के लाखों इंसान मर जाते हैं और शहर फिर भरा हुआ है। अब समय जब रौनक होती है तो रौनक उसी तरह है, आप रौनक है, पास ना एक नहीं रह गया आपका। इसलिए आप अपने आप को देखो कि वालदैन के साथ देखो किधर चले गए, क्या होता जा रहा है आपके साथ, इंतजार को ना देखो, सिर्फ अपने आप को देखो, आपको फिर समझ आएगी बात की क्या है। बेचारा भरे हुए एक राज होता है भुलाने के लिए इंसान को, वो भूल जाता है बेचारा, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, और चुपके से एक फाइन मारने चला जाता है। इसलिए जरा इस बात को ध्यान रखना कि अपने आप को उसके आप जवाब दे पाओगे तो फिर तुम्हें सही रास्ते मिल जाएगा, सही रास्ता तुम्हारा अपना रास्ता होता है, बस दिन वो जो तुम्हारे पास है। इसी से बात याद रखना, हर एक के लिए
अपने दीन पे यकीन रख लो, तुम देखोगे कि फिर आगे जब इससे आगे निकलोगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि शायद फर्क वो नहीं इंसानों में, शायद ये मकामत है। एक बार आप इस यकीन को पुख्ता, आप आते हैं बाकी इंतजार को नहीं, फिफ्टी सिर्फ ठीक है जो कुछ है, फिर के सारे वहीं जाते हैं, हर गली जाए अगर इंसान तलब करता हो ना आशिक हो, कहते ये है रात की बात है अगर मोहब्बत करने वाला हो, तो कहते शहर की हर गली महबूब के घर जाती है, कोई तो बात अगर मोहब्बत हो ना हर गली उसी गली की जाए, अगर मोहब्बत हो तो मोहब्बत करो हर रास्ता उधर ही जाए। इसलिए आप किसी एक जगह यकीन के साथ चल पड़ो, बस अल्लाह का नाम ले, पहला कदम भी आप ही कदम। अब दुआ करो अल्लाह ताला सलामत रखे आप लोग, माली ذاتی صحت کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر فی نون بحمد بھی